पिछले वीडियो में हमने जाना था कि एस्ट्रोनॉमी क्या होती है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, और अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें एस्ट्रोनॉमी क्यों पढ़नी चाहिए, कैसे इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके हम एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन सभी बातों को जो एस्ट्रोनॉमी हमें सिखाती है। नो मैटर हाउ स्मॉल द स्टार इज, हमारा यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, पर इसकी शुरुआत भी बहुत ही छोटी थी। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी। आज से 13 अरब सालों पहले हमारा यूनिवर्स स्पिन की टिप से भी छोटा था। तो अपने यूनिवर्स से हम ये सीख सकते हैं कि शुरुआत चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर हम अपने आप को डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं तो हम अपनी लाइफ को बड़ा बना सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट लेसन जो एस्ट्रोनॉमी हमें सिखाती है वो ये है कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता। हमारे यूनिवर्स में हर सेकेंड 48,000 नए तारे बनते हैं और 600 तारे एक्सप्लोर होते हैं। हमारी पृथ्वी सूरज के अराउंड घूमते हुए 30 किलोमीटर आगे बढ़ जाती है और हमारा सूर्य मिल्की वे के सेंटर को ऑर्बिट करते हुए 225 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। ब्रह्मांड की गैलेक्सीज एक दूसरे से 142 किलोमीटर दूर चली जाती है और एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे के 110 किलोमीटर नजदीक आ जाती है। हमारा सूर्य 70 करोड़ 50 लाख टन हाइड्रोजन को जला देता है और हमारी पृथ्वी पर 1 करोड़ 70 लाख मीटर क्यूब पानी भाप बन जाता है। सिर्फ एक सेकेंड में ही हमारे यूनिवर्स में इतनी सारी चीज़ें बदल जाती हैं और हमारा यूनिवर्स हर बदलाव को एक्सेप्ट करता है, और शायद यही वजह है कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है। और इससे हम ये सीख सकते हैं कि अगर हमें भी बड़ा बनना है तो हमें बदलाव को स्वीकार करना आना चाहिए। यूनिवर्स की तरह ही हमारी लाइफ में भी कुछ भी परमानेंट नहीं होता, वो चाहे हमारा अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, सब कुछ एक ना एक दिन बदल जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में उम्मीद करना ना छोड़ें और अच्छे वक्त का इस्तेमाल दूसरों को बुरा फील कराने के लिए ना करें। नो पेन नो गेन। हमारी पृथ्वी, हम इसे ब्लू मार्बल कहते हैं, यह हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर लाइफ है, और यही बात हमारी पृथ्वी को स्पेशल बनाती है। यहाँ पर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए पानी अपने लिक्विड स्टेट में मौजूद है। यहाँ पर इनफ ग्रेविटी है जिसकी वजह से हमारे पास एटमॉस्फेयर और मैग्नेटोस्फेयर है। ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्यूमिनियम और आयरन जैसे एलिमेंट्स हैं जो जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर ये सारी चीज़ें हमारी पृथ्वी पर ऐसे ही नहीं हैं। हमारी पृथ्वी ने न जाने कितनी चोटों को सहा है तब जाकर इतनी सारी चीज़ें उसे मिली हैं। एक थियोरी के अनुसार हमारी पृथ्वी पर पानी तब आया होगा जब एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट्स हमारी पृथ्वी से टकराए होंगे। पानी हमारी पृथ्वी की खूबसूरती की सबसे बड़ी वजह है। सालों तक हमारी पृथ्वी ने अनगिनत चोटों को सहा होगा तब जाकर ये इतनी खूबसूरत बन पाई है। हाँ, ये बात अलग है कि हम इंसानों ने इसकी खूबसूरती को छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम पृथ्वी को माँ कहते हैं, पर क्या ये सच है? हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है, क्योंकि अपनी माँ के साथ कोई ऐसा सुलूक तो नहीं करता। ए परफेक्ट फैमिली। हमारा सौरमंडल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक परफेक्ट फैमिली का। इस परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं और इसलिए हमारा सौरमंडल काफ़ी हद तक शांत है। हमारा सूर्य हर वक्त जलकर एनर्जी और लाइट जनरेट करता है। जुपिटर अपने साइज और तेज रफ्तार से काफ़ी ग्रेविटेशनल पुल उत्पन्न करता है और सौरमंडल में भटकते हुए एस्ट्रॉइड्स को अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से वे एस्ट्रॉइड्स ना तो किसी और प्लैनेट से टकराते हैं और ना ही हमारी पृथ्वी से, जिसके कारण हम सभी पृथ्वी पर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। वी ऑल आर वन। सबसे बड़ी चीज जो एस्ट्रोनॉमी हमें सिखाती है वो ये है कि हम सब एक हैं। पृथ्वी की सभी लाइफ, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो या हम इंसान, सब तारों के धूल से ही बने हैं। पृथ्वी के सभी प्रजातियों को अपने परिवार की तरह समझना और उन्हें अपना मानना इंसानियत के लिए बहुत ही जरूरी है। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम।
हमारा ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है और अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। इसके बारे में सोचकर हमें आश्चर्य और खुशी की अनुभूति ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी खूबसूरत तस्वीरों को देखकर हमारी आंखों को जितनी शांति मिलती है उतनी शायद ही किसी चीज से मिलती होगी। वैज्ञानिकों की माने तो ब्रह्मांड को इस स्वरूप में आने में लगभग 13 अरब साल लगे हैं और इससे हम ये सीख सकते हैं कि बड़ी बड़ी चीजों के होने में वक्त लगता है और इसलिए हमें पेशेंस रखना चाहिए। इन सभी लाइफ लेसन को सीखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग एस्ट्रोनॉमी से जुड़ सकें।